नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। इस समय आप देख रहे होंगे रीवा का प्रमुख बाजारों का हाल, जिस ठीक आपके पीछे कॉलेज चौराहा है। यहां से लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस सड़क से निकलता है, सन्नाटे में डूबा हुआ है। कोरोना वायरस का प्रकोप इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है। रीवा की अस्पतालों में जगह नहीं, ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में मारामारी है। इसी के चलते ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनाए रखने के लिए, सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए रीवा के प्रशासन ने पुलिस प्रशासन की मदद से यहां पर दो दुकानों में छापा डाला। विंध्या और त्रिवेणी, इन दो दुकानों में छापा डाला, जहां एक जगह 70, एक जगह 42, 112 सिलेंडर बरामद हुए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, दुकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया प्रशासन यहां पर दिखा रहा, जैसा कि साफ तौर से टीवी पर इस समय दिखाई दे रहा। जी हां, 112 सिलेंडर इन दोनों दुकानों में बरामद हुए, साथ ही यहां पर कुछ घरेलू सिलेंडर भी मिले। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों रीवा के सुपर अस्पताल में लगभग 90 लाख की लागत से 100 सिलेंडरों की आपूर्ति वाला ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किया गया। एक तरफ तो ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किया गया, दूसरी तरफ इतने ही सिलेंडरों की कालाबाजारी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात। प्रशासन की इस कार्रवाई से उन लोगों के चेहरे पर जरूर चमक आ जाएगी जो अभी तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको ऐसा लग रहा था उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। जी हाँ, इस समय कोरोना वायरस संक्रमण में सबसे ज़्यादा दवा ही उसको कहा जाएगा ऑक्सीजन, जीवनदायिनी। ऑक्सीजन की आप कमी की वजह से, सांस लेने में कमी की वजह से यहाँ पर जो भी मौतें हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण। अब इन सिलेंडरों के मिलने के बाद, हालांकि प्रशासन ने इनको अभी उसी दुकानों में सील करके रख दिया, जरूरत पड़ने पर अब वो इसके इस्तेमाल की बात करें। आइए आपको सुनाएंगे, SDM रीवा ने पूरी तैयारी, इन प्रशासन ने इन दुकानों में सील किया, उसके बाद SDM रीवा ने हमको पत्रकारों को क्या कुछ बताया, आपको वो भी सुनाएंगे। फिलहाल आप देखिए पूरी कार्रवाई का लाइव दृश्य। देखिए, ये विंध्या गैस के पास में जो हमारा पड़ोसी जिला सतना, वहाँ से ये सूचना आई थी कि कुछ सिलेंडर पाए गए हैं। वहाँ कार्रवाई के दौरान 300-400 सिलेंडर करीब वहाँ पे पाया गया था। तो यहाँ पे भी हम लोगों को सूचना मिली कि इसकी एक संस्था है, यहाँ प्रदीप जैन जी उसके मालिक हैं, उनके भाई हैं छोटे। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने वहाँ कार्रवाई की थी और वहाँ जाके देखा तो इनके पास भी 70 सिलेंडर करीब ऑक्सीजन के मिले। एक और एजेंसी जो रीवा में कार्य करती हो, त्रिवेणी गैस एजेंसी, इनके पास ही 20 और 22 42 करीब ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले हैं। तो तात्कालिक तौर पर फिर इनको देख के जांच के लिए हम लोगों ने ले लिया है। वर्तमान में सील करके इसको GMDIC साहब के, हमारे जो उद्योग विभाग के प्रमुख हैं, उनके नियंत्रण में इसको दे रहे हैं और फिर जैसी स्थिति होगी वैसा ये करेंगे। तो क्या इन लोग बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? अभी शासन की तरफ से औद्योगिक तौर पर जो विक्रय होता था उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। मेडिकल के संबंध में बहुत स्पष्ट उसमें निर्देश नहीं है। अभी अपने यहाँ से भी जिले स्तर से विशेष रोक ऐसी नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी ये जो लोगों को दे भी रहे थे तो किन दरों पर दे रहे थे, आवश्यकता किस हिसाब से दे रहे थे, किसी सरकारी डॉक्टर या किसी के प्रिस्क्रिप्शन पर दे रहे थे या कोई लोग इनसे लेके और बीच से कहीं किसी और को किस रेट पर दे रहे थे, कोई ब्लैक तो नहीं कर रहे थे, इन सब संभावनाओं को देखते हुए आज की हम लोगों ने कार्रवाई की है। और जैसी भी स्थिति होगी, फिर यदि मान लीजिए सब कुछ इनका रिकॉर्ड व्यवस्थित होता है तो वैसा, और यदि मान लीजिए ऐसा पाया जाता है कि सिलेंडर इनके पास उचित रूप संधारित नहीं तो वैसी कार्रवाई। देखिए, इसमें जो पहले की स्थिति थी, ये लोग अपने स्तर से भरवाते हैं, रिफिलिंग कराते थे इसको, तो रिफिलिंग सेंटर्स पर लगभग सभी जगहों पर कलेक्टर साहब का ही नियंत्रण है, चाहे वो रीवा हो चाहे सतना, जो हमारे दोनों रिफिलिंग सेंटर, तो वहाँ से भराना बंद हो गया और इनकी कोई गाड़ी परिवहन करती हुई भी नहीं मिली। ये इनके भंडार में जरूर जो इनके पुराने रखे हुए सिलेंडर हैं वो सिलेंडर, और जब जैसे ही पता चला तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।